हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल विमल एजुकेशन पर। आज हम करने वाले हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन का पार्ट नंबर 3.2, जिसका नाम है अ ग्रोइंग मिडिल क्लास, यानी कि उभरते मध्य वर्ग। इस पार्ट में हम जानेंगे कि कैसे मिडिल क्लास वाले जो लोग हैं वो किसानों की मदद करने के लिए आगे आए। तो चलिए समझते हैं इस पूरे पार्ट को। लेकिन अगर आप में से अभी तक किसी ने भी पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उन सभी पार्ट्स का लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ताकि आप लोग सारे पार्ट्स को अच्छी तरीके से देख सकें। चलिए शुरू करते हैं हम आज का पार्ट, जिसका नाम है अ ग्रोइंग मिडिल क्लास। तो सबसे पहले आप लोगों के सामने आ जाता है एक मोटिवेशनल मैसेज। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो फोकस अपने काम पर करो, लोगों की बातों पर नहीं। तो काफी अच्छी लाइन थी ये। तो ये है हमारा पार्ट नंबर 3.2, अ ग्रोइंग मिडिल क्लास, यानी कि उभरते मध्य वर्ग। इन द पास्ट पीजेंट्स एंड वर्कर्स हैड पार्टिसिपेटेड इन द रिवोल्ट्स अगेंस्ट इंक्रीजिंग टैक्सेस एंड फूड स्कार्सिटी, यानी कि शॉर्टेज। आप ये बात जानते हो कि किसान जो है वो पहले भी रिवोल्ट्स काफी कर चुके थे, किस चीज के अगेंस्ट? टैक्स बढ़ने को लेकर और फूड की शॉर्टेज को लेकर वो पहले भी विद्रोह कर चुके थे। लेकिन रिसोर्सेस की कमी की वजह से, है ना, रिसोर्सेस की कमी की वजह से वो काफी बड़े लेवल पर इसे लेके नहीं जा पाए, यानी कि वो चेंज नहीं ले पाए। काफी अच्छा चेंज जो आना चाहिए था सोसाइटी में, ये लोग वो नहीं ला पाए। तो काफी ज्यादा इनको ना कमी महसूस हो रही थी। क्यों? क्योंकि एक तो बेचारे ये लोग पढ़े लिखे थे नहीं, कोई सुनने वाला इनकी था नहीं, तो इनके पास काफी ज्यादा ना रिसोर्सेस की कमी थी। तो इस वजह से ये कोई नया चेंज नहीं ला पाए। टैक्सेस वगैरह बढ़ते चले गए और फूड की शॉर्टेज होती चली गई, किसी ने इनकी कोई नहीं सुनी। अब हुआ क्या? दिस वॉज लेफ्ट टू दोज ग्रुप्स विद इन द थर्ड एस्टेट हु हैड बिकम प्रोस्पीरियस एंड हैड एक्सेस टू एजुकेशन द न्यू आइडियाज। अब हुआ क्या, यहां पे जो थर्ड एस्टेट के जो लोग थे, पढ़े लिखे जो लोग थे और जो अमीर लोग थे, उन लोगों को ये चीज फील हो गई कि भैया किसानों के साथ जो है ना, वर्कर्स के साथ और किसानों के साथ ना काफी चीजें गलत हो रही है। एक तो सारा का सारा टैक्स जो है वो थर्ड एस्टेट के लोगों को ही देना पड़ता है। अब ये बेचारे जो किसान होते हैं, कभी इनकी फसलें बर्बाद हो जाती है, है ना, कभी फूड की शॉर्टेज हो जाती है, बेचारे ये करे तो करे क्या, है ना। ऊपर से सारा का सारा टैक्स इनके जिम्मे आ गया, है ना, क्लर्जी को भी टैक्स देना है और नोबल्स वाले लोगों को भी टैक्स देना है। यही सेम हाल वर्कर्स का भी था। तो इन लोगों को ना इनकी प्रॉब्लम समझ में आनी शुरू हो गई, मिडिल क्लास वाले लोगों को। तो हुआ क्या, मिडिल क्लास वाले लोगों से रहा नहीं गया, तो इन लोगों की मदद करने के लिए वो लोग सामने आ गए कि भैया अब हम आ गए हैं आपका साथ देने के लिए। अब हुआ क्या, द 18th सेंचुरी विटनेस्ड द इमर्जेंस ऑफ सोशल ग्रुप्स। अब जो थर्ड एस्टेट वाले जो लोग थे ना, उसमें मिडिल क्लास वाले लोग आते हैं। अब उसमें से ऐसे भी लोग थे जो बहुत पढ़े लिखे भी होते थे और बिजनेसमैन भी होते थे, तो इसलिए उनके पास ना काफी सारा पैसा होता था, धन इकट्ठा हो जाता था। क्यों? क्योंकि वो लोग क्या करते थे, उनका ज्यादातर जो बिजनेस चलता था वुलन एंड सिल्क टेक्सटाइल का चलता था, जिसकी वजह से वो लोग एक्सपोर्ट करते थे अलग अलग देशों में और वहां से वो लोग पैसा कमाते थे। और तो और वो लोग क्या करते थे कि जो पूरे मतलब फ्रांस के अंदर जो अमीर लोग हैं उन्हीं को माल बेचा भी करते थे, तो वहां से भी पैसा ये लोग कमाते थे। जितने भी मर्चेंट्स होते थे, जितने भी व्यापारी होते थे, है ना, ये सारे लोग यही काम करते थे। इस वजह से इनके पास पैसा भी काफी होता था। तो ये सारे लोग जो थे वो किसानों के लिए क्या हो गए, आगे आ गए, मदद के लिए आगे आ गए कि भैया हम आपकी मदद करेंगे, आपका साथ देंगे। तो हुआ क्या, इन एडिशन टू मर्चेंट्स एंड मैन्युफैक्चरर्स द थर्ड एस्टेट इंक्लूडेड प्रोफेशन सच एज लॉयर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स। यानी कि थर्ड एस्टेट के अंदर मर्चेंट्स और मैन्युफैक्चरर्स के अलावा उनके अंदर क्या थे, प्रोफेशंस भी शामिल थे, लॉयर जैसे हो गए, है ना, लॉयर वगैरह हो गया और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स हो गए, तो ये लोग भी थर्ड एस्टेट की कैटेगरी के अंदर आते थे। अब आगे चलते हैं और देखते हैं, ऑल ऑफ दीज वर एजुकेटेड एंड बिलीव दैट नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ। तो इन लोगों को ना बड़ा गुस्सा था, इन लोगों की ये सोच थी, जितने भी पढ़े लिखे लोग थे उन लोगों का ये कहना था कि भैया ये चीज गलत है। क्या गलत है? ये चीज बिल्कुल ही गलत है। अरे गलत क्या है, ये चीज गलत है कि जो फर्स्ट एस्टेट और जो सेकंड एस्टेट के जो लोग हैं ना, उन्हें जो बाई बर्थ बेनिफिट मिला हुआ है कि आप टैक्स नहीं दोगे आगे जाके, तो ये चीज गलत है कि भैया ऐसे क्यों कर रहे हो आप। सारा का सारा टैक्स आप थर्ड एस्टेट वाले लोगों से ही लोगे क्या? आपने माफ कर रखा है कि फर्स्ट एस्टेट में अगर कोई
बच्चा अगर जन्म लेगा तो वो आगे जाके टैक्स ही नहीं देगा, ये तो बड़ी नाइंसाफी है ना ऐसी सेकंड स्टेट वाले लोगों के साथ। तो ये मिडिल क्लास वाले लोगों को ना बर्दाश्त नहीं हो रहा था, पढ़े लिखे लोग थे ये, तो इन लोगों को पता चल गई ये बात, फील होने लग गया कि भैया ये जो चीजें हो रही है ना किसानों के साथ ये गलत हो रही है ना, क्योंकि बेचारे इतनी मेहनत करते हैं और टैक्स भी सारा वही दे, और जो फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट वाले जो लोग हैं वो कुछ भी ना दे, उन्हें बेनिफिट मिला हुआ है बाय बर्थ कि वो टैक्स देंगे ही नहीं। तो ये मिडिल क्लास वाले लोगों की सोच थी, उनका ये मानना था कि ऐसा कोई भी ग्रुप नहीं होना चाहिए, ये सब बंद हो जाना चाहिए है ना, जिन्हें बाय बर्थ क्या मिला हुआ है, एक प्रिविलेज मिला हुआ है। रदर अ पर्सन सोशल पोजिशन मस्ट डिपेंड ऑन हिज मेरिट। तो यहाँ पे लोगों का ये कहना था, जो एजुकेटेड लोग थे उनका ये कहना था कि सोशल पोजीशन जो होती है ना किसी भी पर्सन की, उसकी योग्यता के अनुसार होनी चाहिए, उसके वो कितना काबिल है उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए उसकी सोशल पोजीशन, ना कि इस वजह से होनी चाहिए कि उसने हाँ फर्स्ट एस्टेट के अंदर जन्म लिया है इसका मतलब वो महान बंदा है, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, उसकी योग्यता के अनुसार उसकी पोजीशन होनी चाहिए। तो ये मिडिल क्लास वाले लोगों की सोच थी। अब सवाल ये आता है कि भैया ये जो मिडिल क्लास वाले लोगों का ये जो आइडिया, ये जो ये कह रहे हैं, ये जो बोल रहे हैं, ये भी तो कहीं ना कहीं से आया होगा ना। तो आप देखोगे अगले पॉइंट में यही बात लिखी हुई है कि जो मिडिल क्लास वाले लोगों को ये जो बातें आ गई ना इनके बोलनी कि हाँ ये होना चाहिए वो होना चाहिए, तो ये पहले नहीं थी, ये भी इनको आई समझ में। और इन्हें किसने समझाया था, अलग अलग फिलोसफर्स ने समझाया था। फिलोसफर्स ने क्या किया, मिडिल क्लास वाले लोगों को ना, जो एजुकेटेड लोगों को लोग थे, उन्हें समझाना स्टार्ट करा कि भैया किसानों के साथ गलत हो रहा है, तब जाके मिडिल क्लास वाले लोगों को बात समझ में आई, तब उन्होंने किसानों की मदद करने के लिए वो लोग क्या हो गए, आगे आ गए कि भैया हम आपकी मदद करेंगे। अब वो कौन से फिलोसफर्स थे जिन्होंने मिडिल क्लास वाले लोगों को आइडिया दिया कि भैया ऐसा ऐसा होना चाहिए, ठीक है, तो हम जानेंगे अगले पॉइंट में। तो आप देख सकते हो दीज आइडिया एनवेसेजिंग अ सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्रीडम एंड इक्वल लॉज एंड अपॉर्चुनिटी। तो ये जो आइडियाज है फ्रीडम एंड इक्वल लॉज एंड अपॉर्चुनिटीज, तो ये जो आइडियाज थे ना ये कहां से मिले, फिलोसफर्स ने दिए थे, वर पुट फॉरवर्ड बाय द फिलोसफर्स सच एज, नाम आप देख सकते हो जॉन लॉक और जेन जैक रूसो, इसको हम रूसो बोलते हैं, इन दिस टू ट्रिटीज ऑफ गवर्नमेंट। ये बात ध्यान रखना एमसीक्यू में क्वेश्चन आते हैं, इन हिज टू ट्रिटीज ऑफ गवर्नमेंट, ये किसका था, तो आप आंसर दोगे ये था जॉन लॉक का। सो टू रिफ्यूट द डॉक्ट्रिन, ये बुक का नाम है, ध्यान रखना ये इसकी बुक का नाम है। तो इसने इस बुक में क्या बताया, इसने इस बुक में ये बात बोली कि भैया ये जो राजा का जिस तरीके से राजा शासन करता है ना, है ना निरंकुश वाला, तो ये बहुत खराब है, ये नहीं होना चाहिए, ये पूरी तरीके से अगेंस्ट था, ये बंद हो जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। तो इन्होंने इस चीज में ये चीज लिखी। अब रूसो ने क्या बात बोली, जो हमारे ये दूसरे फिलोसफर्स थे, रूसो कैरिड द आइडिया फॉरवर्ड, रूसो ने इसी आइडिया को आगे लेके चले गए और उन्होंने इसमें आगे और चीज एड ऑन कर दी, प्रपोजिंग अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। तो रूसो ने ये बात कही कि भैया सरकार बननी चाहिए, एक ऐसी सरकार बननी चाहिए जो जनता की हो, है ना, जिसे जनता चुने, जैसे आज की डेट में हम देखते हैं हम क्या करते हैं, सब लोग वोट देते हैं और किसी नेता को जिता देते हैं, है ना, तो वो सरकार किसकी होती है, जनता की होती है, जनता के लिए काम करती है। तो रूसो का ये कहना था कि भैया एक ऐसी गवर्नमेंट फॉर्म होनी चाहिए जो रिप्रेजेंटेटिव हो, किसके द्वारा, किसके द्वारा हो, लोगों के द्वारा, है ना, जो लोगों को रिप्रेजेंट करें और लोगों ने उसे चुन के जिताया हो। तो ऐसी सरकार के बारे में सोचा किसने, रूसो ने। तो ये आइडियाज मिल रहे थे, किसको मिल रहे थे, मिडिल क्लास वाले लोगों को, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या होता है, इन द स्पिरिट ऑफ लॉस, ध्यान रखना ये तीसरा फिलोसफर है, बहुत सारे थे फिलोसफर्स लेकिन हम लोगों को ये तीन के नाम याद रखने, मॉन्टिक्यू प्रपोज्ड अ डिवीजन ऑफ पावर। इन्होंने क्या किया, एक कल्पना करी पावर के डिवीजन की, उन्होंने बताया कि भैया सरकार की पावर का ना क्या होना चाहिए, डिवीजन भी होना चाहिए, किस तरीके से, किसके बीच में होना चाहिए, किनके बीच में होना चाहिए, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, जैसे कि हम आज की डेट में देखते हैं। मॉन्टेस्क्यू ने, ये ध्यान रखना ये एमसीक्यू में आ जाता है क्वेश्चन कि इन्होंने कौन सी बुक में क्या कहा था, द स्पिरिट ऑफ द लॉज, द स्पिरिट ऑफ द लॉज, है ना, मैंने लॉ बोल दिया। तो आगे देखोगे आप इसमें क्या बात बताई मॉन्टेस्क्यू, द स्पिरिट ऑफ द लॉज, मैंने हिंदी में पढ़ रहा था दरअसल, वो नामक रचना में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात करी, यानी कि इनमें पावर कैसी कैसी होनी चाहिए। तो मॉन्टेस्क्यू ने इस बारे में बात करनी शुरू कर दी कि भैया लेजिस्लेटिव में क्या होनी चाहिए पावर, एग्जीक्यूटिव को क्या पावर मिलनी चाहिए, जुडिशरी में क्या पावर होनी चाहिए,
है ना। तो ये सारी बात इन्होंने बताई, मॉन्टेस्क्यू ने दिस मॉडल। अब ये जो तीन फिलोसफर्स ने अलग अलग बात बोली है ना, जो अलग अलग एक गवर्नमेंट का इन्होंने मॉडल तैयार करा है ना, तो दिस मॉडल ऑफ गवर्नमेंट वॉज पुट इन टू फोर्स इन द यूएसए। तो ये यूएसए में पहले ही आ चुका था, और कब आया था ये, आफ्टर द 13 कॉलोनीज डिक्लेयर्ड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन। यानी कि जो 13 कॉलोनीज थी ना, जब वो ब्रिटेन से आजाद हो चुकी थी, तब यूएसए के अंदर एक कानून बना दिया गया था, एक गवर्नमेंट वहां पर तैयार हो गई थी, जिसमें यही वाला मॉडल फॉलो किया जाता था, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और ज्यूडिशरी। द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स गारंटी ऑफ इंडिविजुअल राइट्स वॉज इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल फॉर पोलिटिकल थिंकर्स इन फ्रांस। तो फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिकी संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत थी। यानी कि अमेरिका में ना इंडिविजुअल राइट्स को ना लेकर काफी ज्यादा बातें बोली गई थी कि भैया हर एक इंसान के व्यक्तिगत अधिकार होने चाहिए, होते हैं है ना, कानून की नजरों में सब बराबर होना चाहिए। तो इस पे काफी एक अच्छा एग्जाम्पल ना फ्रांस में भी सेट हो रहा था। धीरे धीरे फ्रांस में भी लोगों को लगने लगा, यानी कि जितनी भी फिलोसफर्स थे और जो मिडिल क्लास वाले जो लोग थे, उन लोगों को लगने लगा कि भैया यहाँ पे भी ऐसा सिस्टम होना चाहिए। कितनी अच्छी बात है ना यहाँ पे कि हर एक का अधिकार होना चाहिए, है ना, कानून के नजरों में सब बराबर होना चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए, यानी कि स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो ये सब होने लगा, ये सब लोगों को लगने लगा। दिस आइडियाज ऑफ दिस फिलोसफर्स, अब ये जो आइडिया था वो डिस्कस्ड इंटेंसिवली इन द सलून्स एंड कॉफी हाउसेस एंड स्प्रेड अमंग पीपल थ्रू बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स। अब ये सारे जो आइडियाज थे ना फिलोसफर्स के, ये कहाँ कहाँ पे डिस्कस होने लगे, नाइयों की दुकान पे होने लगे, है ना, कॉफी बार जो होता है वहां पर होने लगे, है ना, और बुक्स वगैरह में होने लगे, बुक्स में लिखी गई बातें, और न्यूज पेपर के थ्रू होने लगे। तो हर जगह इन फिलोसफर्स की बातों को फैलाया गया। और ये कौन फैला रहे थे, ये मिडिल क्लास वाले लोग फैला रहे थे, है ना, जहां जिसको जो जगह मिलती, जहां पे लगता उन्हें कि ये बात फैलानी है, ये आइडिया फैलाना है, तो ये लोग वहीं फैलाते चले गए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बातें समझ में आई, उनको ये समझ में आ जाए कि हाँ भाई हमारे राइट्स कुछ होते हैं, है ना, कानून के नजर में सब बराबर होते हैं, सबको एक समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए, है ना, तो सबको समान अवसर भी मिलने चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलने चाहिए। तो ये सब बातें थी। दीज वो फ्रिक्वेंटली रीड allow in groups for the benefit of those who could not read and write. अब हुआ क्या, किताबों और अखबारों में ना लोग जोर जोर से पढ़ते थे, ताकि जो अनपढ़ लोग है ना वो भी समझ सके। तो आप देखो अनपढ़ लोग पढ़ तो सकते हैं नहीं ना, वो लिख सकते हैं, तो वो तो सिर्फ सुन सकते हैं ना। तो इसलिए ये लोग क्या करते थे, बहुत जोर जोर से शोर मचा के पढ़ते थे, ताकि उन लोगों को भी समझ में आए कि चल क्या रहा है। ठीक है, The news that Louis XVI planned to impose further taxes to be able to meet the expenses of the state generated anger and protest against the system of the privileges. अब हुआ क्या, देखो Louis XVI ने क्या किया, प्लान कर लिया, फिर से क्या किया उसने, टैक्स को बढ़ाने का फिर से प्लान कर लिया, टैक्स लगाने का फिर से प्लान कर लिया। अब ऐसे में हुआ क्या कि जितने भी थर्ड एस्टेट के जो लोग थे ना, किसान स्पेशली अगर मैं बात करूं, तो वो और भी ज्यादा गुस्से में आ गए। क्यों गुस्से में आ गए, कि भैया टैक्स अगर लगाएगा ये, तो इसका मतलब ना तो फर्स्ट एस्टेट के लोगों को देना पड़ेगा टैक्स, क्योंकि उनका तो माफ है, और ना ही सेकंड एस्टेट के लोगों को देना पड़ेगा, देना पड़ेगा तो सिर्फ हमें देना पड़ेगा। इसलिए ये लोग जो थे, थर्ड एस्टेट के जो लोग थे, वो अगेंस्ट हो गए, यानी कि गुस्सा हो गए। किनसे, जो फर्स्ट एस्टेट के जो लोग थे और जो सेकंड एस्टेट के जो लोग थे, उनसे काफी ज्यादा रुष्ट हो गए, गुस्सा हो गए काफी ज्यादा, है ना। तो आप देखोगे तो ये था हमारा पूरा पाठ, जिसमें हम लोगों ने देखा किस तरीके से मिडिल क्लास वाले लोग जो हैं वो आगे आए मदद के लिए, किन के लिए, किसानों के लिए, और किस तरीके से फिलोसफर्स ने भी मिडिल क्लास वाले लोगों को आइडिया दिया कि भैया इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इक्वल लॉ, ये सब भी कुछ होता है, फ्रीडम जैसी चिड़िया भी कुछ होती है। तो आप ये सारी बातें लोगों को समझाओ, लोगों को बताओ। तो मिडिल क्लास वाले लोगों ने क्या किया, फिर फैलाना शुरू कर दिया, हर जगह न्यूज़पेपर में डालना शुरू कर दिया, है ना। तो ये सारे आइडियाज जो थे ये फिलोसफर्स ने दिए थे, और तीन फिलोसफर आप लोगों को नाम याद रखने हैं, जैसा कि आप लोगों ने देखा, है ना। तो अच्छी तरीके से आप लोग समझ लेना सारी चीजों को पेपर में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस काफी ज्यादा आ जाते हैं, तो क्योंकि एमसीक्यूज की भी वेटेज काफी ज्यादा हो चुकी है, तो इसलिए हर एक चीज को डिटेल में पढ़ना काफी ज्यादा जरूरी हो चुका है। तो देखो मॉन्टेस्क्यू के बारे में अगर हम देखें, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इनकी बुक है इन द स्पिरिट ऑफ द लॉज। और अगर हम दूसरी अगर हम बात करें जॉन लॉक और रूसो, तो आप देखोगे जॉन लॉक की कौन सी है,
टू ट्रीटीज ऑफ द गवर्नमेंट, है ना। तो ये आप, और इनका कौन सा है, रूसो का कौन सा है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पीपल। तो ये याद रखना है आपको, सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पीपल। तो इस तरीके से आपको चीजों को समझना होता है। तो आज की क्लास में इतना ही काफी है, यानी कि आज के वीडियो में इतना ही काफी है। अगले वीडियो में हम एक नया पार्ट करवाएंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।